हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रंधा बनाना सीखेंगे। मेरे बहुत सारे कारपेंटर भाई ऐसे हैं जिन्हें रंधा बनाने की अभी पूरी नॉलेज नहीं है, तो आज की इस वीडियो से उन मेरे भाइयों को बहुत हेल्प मिलने वाली है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रंधा बनाने के लिए जो ज़रूरी बातें होती हैं वो सब आपको आज की इस वीडियो में बताऊँ। रंधा बनाने के लिए पहली ख़ास बात है कि रंधे की लकड़ी हम कौन सी लें। रंधे के लिए सबसे बढ़िया लकड़ी शीशम की होती है। वैसे तो बहुत सारे भाई और भी लकड़ी का रंधा बना लेते हैं, जैसे सागौन की, बबूल की, साल की वगैरह, और जो भी मिल जाती है बना लेते हैं काम चलाने के लिए। लेकिन सबसे बढ़िया लकड़ी जो रहती है रंधे के लिए वो शीशम की ही होती है। और दूसरी ख़ास बात है कि रंधे की मार्किंग करना। रंधे की मार्किंग अगर ठीक तरीके से हो जाती है तो रंधा हमारा बहुत अच्छा चलता है। रंधे की मार्किंग में सबसे ज़रूरी है उसका टेपर, कि हम रंधे में कितना टेपर रखें कि रंधा हमारा बिल्कुल सही बने। तो ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने ये शीशम की लकड़ी ले ली है। अब इस लकड़ी में हम देखेंगे हमारी लकड़ी सही गुनिया बनी हुई है या नहीं। ठीक है, पहले हम एंड चेक करते हैं इसकी। लगभग इसमें आधा सूत की एंड है। ठीक है, तो पहले तो हम इस लकड़ी को ठीक करते हैं। ये हमारा लगभग ठीक ही है गुनिया में, थोड़ा बहुत है फिर भी, चलो इसको ठीक कर लेते हैं। ये लकड़ी जो है एकदम गुनिया में है। ठीक है, अब करते हैं इसकी मार्किंग। दोस्तों, ये 2 फीट लंबी लकड़ी है और इसमें हम करीब 20 इंची का रंधा बनाएंगे, 20 इंची या 21 इंची। ठीक है, तो 20 इंची के रंधे के लिए हम इसमें पीछे से हम छोड़ेंगे इसको करीब 9.5 इंच। ठीक है, और ये हमारा इधर बचा लगभग 14 इंच। बाकी हमें जितना काटना होगा हम दोनों तरफ से पीछे थोड़ा थोड़ा काट देंगे। अब ये निशान जो हमने लिया है इसको हम चारों साइड से उतार लेंगे। ठीक है, इस निशान को हमने चारों साइड से उतार लिया है। अब ये हमारा ये है नीचे का पैटर। ठीक है, अब इस निशान से हम एक सूत निशान और पीछे लगाएंगे दूसरा। ठीक है, ये हमारा रंधे का मुंह बनेगा नीचे की साइड का। ये एक सूत वाला निशान हम इधर से बस थोड़ा थोड़ा उतार लेंगे दोनों तरफ, इधर से भी और इधर से भी, कि इसमें हम रंधे का टेपर कितना दें। तो दोस्तों, मैं तो 2 इंची की लकड़ी में 1.5 इंची का टेपर देता हूँ, 1.5 इंच। तो पहले हम इसको 2 इंची का निशान लगाएं इसमें। ठीक है, और इस साइड से भी बस। दोस्तों, सबसे इसमें मेन काम इसका निशान लगाना ही है। अगर निशान हमारे ठीक से लग गए तो हमारा रंधा समझो बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें ये छोटा वाला जो निशान है हमने पीछे की तरफ से लगाया है, उस निशान से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इसमें यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया। अब इसी निशान को हम ऊपर वाले के पैटर्न की तरफ से घुमाते हुए दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है,
ये अब इस 1 इंची 5 फुट वाले निशान से और ये 2 इंची का जो हमने इधर से निशान लगाया इसका जो क्रॉस पॉइंट है वहाँ से हम इस वाले निशान से इसको मिला देंगे। ये आया हमारा रंधे का ठीक टेपर बिल्कुल एकदम ठीक है। दोस्तों ये हमारा निशान इसलिए पीछे हटा क्योंकि इस ये निशान जो हमारा क्रॉस करते हुए गया है तो इसलिए पीछे हट गया। हम ये निशान इसको यहाँ से काट देते हैं। अब ये पीछे वाले निशान से हम अपने 6 सूत यानी 1.25 इंची का निशान लगाएंगे जिसमें हमारी टैग डबल और डार्ट ये तीनों चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी ठीक है। इसको हम थोड़ा थोड़ा बस निशान नीचे लेते हैं अब इस निशान से हम ये पहले वाला जो निशान लगाया था हमने सबसे पहला उस निशान पर इसको मिलाएंगे ऐसे ही दूसरी साइड से भी। ठीक है फ्रेंड ये हमारा निशान लग गया। दोस्तों रंधे के निशान एक बार मैं आपको कागज़ पर मार्क करके दिखा देता हूँ ठीक है इससे आपको थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा। पहले हम अपनी हमें 2 इंच की ये लकड़ी लेनी है तो पहले हम इसमें ये 2 इंच के मार्क कर देंगे 2 इंच की लकड़ी के निशान लगा लेंगे ठीक है। ये हमने अपनी 2 इंच की लकड़ी ले ली ठीक है। अब जिस जगह हमें अपने रंधे की टेक या ब्लेड लगाना है उस जगह पहले हम एक राइट एंगल में गुनिया में एक निशान उतार लेंगे यहाँ पे ठीक है। और ये जो नीचे का है हमारा हिस्सा ये हमारा हो गया ऊपर का पैटा ठीक है ये हो गया ऊपर का। अब नीचे वाले जो निशान है वहाँ पे हम 1 सूत का निशान एक लगाएंगे पीछे ठीक है और इस निशान से लगाएंगे हम 1.25 इंच का निशान ये लगा लिया हमने 1.25 इंच का निशान ये 1.25 इंच का निशान है और 1 इंच का निशान हमारा यह पीछे हट गया यानी हमारा टेपर आएगा 1 इंच 5 सूत का ठीक है। हम इसको यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं ये हमारा 1 इंच 5 सूत का हो गया। ये हमने लगाया 1 इंच 6 सूत का था लेकिन 1 सूत हमने यहाँ से पीछे करके पहले लगा लिया था निशान एक तो हमारा क्रॉस यहाँ से यहाँ तक 1 इंच 5 सूत में आया ठीक है। लेकिन कुछ कारपेंटर भाई जो हैं रंधे की लकड़ी 2 इंची से ज़्यादा भी ले लेते हैं तो उसका निशान कैसे लगाएं तो उसका निशान कुछ नहीं करना। जैसे मान लो हमारी ये लकड़ी 1.5 सूत या 2 सूत जो भी बढ़ती है उसको कोई उसको बढ़ने से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो टेपर का निशान है हम इसी निशान को ऐसे ही लंबा कर देंगे ठीक है। तो हमारा फिर ये टेपर हो ही रहा और हाइट इसकी बढ़ गई ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना आपको 2 इंची की चौड़ाई में 1 इंची 5 सूत का टेपर रहेगा ठीक है। ये 2 इंच की जो मोटाई होती लकड़ी की इसमें 1 इंच 5 सूत का ये टेपर रहेगा ठीक है। लकड़ी अगर जितनी मोटी होती चलेगी तो टेपर हमारा ऐसे ही ऊपर होता चला जाएगा ठीक है। ये हो गया। बाकी इसके बाद हमारी डार्ट और टेक डबल के निशान लगाना तो हमें उसको जय यहाँ से 1.25 इंच जो है जो हमारे 2 इंची की मोटाई की जो लकड़ी में जो क्रॉस पॉइंट आया है वहाँ से हम लेंगे 1.25 इंच। ये हमने 1.25 इंच ले लिया है और पहला वाला जो राइट एंगल वाला निशान था उस निशान पर हम इसको क्रॉस कर देंगे ठीक है। ये हमारा नीचे का रंधे का मुंह बन गया। ये हमारा टेक डबल और डार्ट ये तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगे ठीक है। बस यही है टेपर का निशान इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा काम है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अब ये हमारे निशान टेपर वाला निशान लग गया। दूसरा इसमें काम है इसकी टेक की चौड़ाई का निशान लगाना। ठीक है, तो हम इसके पहले अपनी लकड़ी को नापते हैं। ये लकड़ी है हमारी 2 इंची 5 सूत और 2 इंची की हमें इसमें टेक लगानी है। ठीक है, तो हम ढाई ढाई सूत का इसमें पहले दोनों तरफ से निशान लगा देते हैं। ढाई सूत का निशान हमने यहाँ निकाल दिया है और इधर निकाल दिया है। ठीक है, और इसी तरीके से हम नीचे की साइड पर भी ऐसे ही निशान लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया। अब ये तो हमारे बीच की, ये आ गई हमारी टेक की चौड़ाई। अब इसमें डार्ट डार्ट के लिए हम इसमें दाड़ा छोड़ेंगे करीब 3 सूत का। ठीक है, 3 सूत इधर और 3 सूत इधर। तो इसको भी हम अपने रूलर गेज से ही इसकी निशान मार्किंग कर देंगे। इसी तरीके से निशान ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर भी, हालांकि इधर जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम उतार देते हैं। ये हमारी जो है दाढ़ा जो है वहाँ से हम 2 इंची का ढाल देंगे। जहाँ तक हमारी ये डार्ट आएगी हमारी, ये हमें सब इतना छीलना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंच हम यहाँ से निशान लगा के इसको ऐसे करके। ये हमारी चौरसी है 1/4 इंच की, तो ये 1/4 इंच के हिसाब से हम ये सारा माल हटाएंगे। ठीक है, तो हमारे ये जो निशान है दोनों, यहाँ से तो हम अपनी चौरसी चलाएंगे सीधी और यहाँ से हम इसको इस तरीके से बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर हमारा 1 सूत का मुंह खुल जाएगा, तो हमें ऐसे ही तो माल हटाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम पहले इसको यहाँ पे ड्रिल मशीन से छेद करके थोड़ा सा माल इसको कम कर देते ताकि हमें जो छीलने में आसानी रहे। ठीक है, ये पीछे की साइड से भी हम इसमें 1/8 के वेट से सुराख कर देंगे। इसके पीछे से जब हम इसकी छिदाई करते हुए आएंगे तो हमारा इधर की साइड से इसके यहाँ पे ये लकड़ी ना फटे, ये पच्चरे फट जाती हैं तो ये इसका मुंह ख़राब हो जाता है। ठीक है, बाकी माल जो है हम यहाँ से इसका निकाल देंगे। ठीक है, दोस्तों हमने इसमें ये अपना खड्डा कर लिया है, आर पार हो गया है हमारा जिधर से ये टेपर है जैसा, यहाँ से इस तरीके से ये पीछे वाला जो निशान है इसको यहाँ से सीधा किया और इसको यहाँ ये राइट एंगल में सीधा किया। ठीक है, इधर लाके हमने जो हमें 1 सूत का मुंह बनाना था हमारा वो बन गया है। हमारा जो डार्ट वाला निशान है यहाँ से यहाँ तक और ये वाला निशान जो यहाँ से पूरा करेंगे, मतलब यहाँ से ये इतना हमें और हटाना है। ठीक है, ये आ रही जो ये निशान जो दिख रहा है, पहले तो ये निशान ऐसा ही नीचे है तो इसको हम सीधा निशान से इस निशान तक और
पीछे भी ये 2 सूत के निशान, 2.5 सूत के निशान तक ये हम आरी चला लेंगे, ठीक है। दोस्तों हमने ये दोनों तरफ आरी चला दी है, इधर भी और इधर भी नीचे तक, यह जो जो हमने 2.5 सूत का निशान लगाया था पहले वहाँ तक, क्योंकि हमारी 2 इंची जगह है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें हमारी तेक, डबल और डाढ़िया तीनों चीज़ आनी है, ठीक है। तो हमने ये नीचे तक निकाल दिया, अब ये दूसरी साइड का भी हम निकाल देंगे इसको। दोस्तों मैंने दोनों तरफ इसमें भी आरी चला दी है, अब ये जो माल बचा हुआ है इसको हम पहले 1/2 इंच के चौरसे से, फिर 2 सूत के चौरसे से, फिर उसके बाद 1 सूत के चौरसे से हम इसको निकाल देंगे। अब हमने ये जो निशान लगाया है इस तरीके से, इसका बाहर वाला मुंह बनाने के लिए, जिसमें से छीनल हमारा निकलता रहे, तो ये जो निशान है हमारे लगे हुए, हम यहाँ तक आरी और चलाएंगे, सिर्फ यहाँ तक, और पीछे से चलाएंगे हम जितनी हमारी, जिस चौड़ाई की हमारी तेक है उस चौड़ाई तक, ठीक है। दोस्तों मैंने अपने रंधे के डाट के लिए ये लकड़ी ले ली है, अब इस डाट में पहले हम इसका जब टेपर काटेंगे, ये उससे पहले हम इसके जो हमारे डबल में जो नट लगा हुआ होता है उसके लिए हम पहले यहाँ खाँचा बना लेंगे, ताकि टेक हमारी डबल से एकदम इसमें ठीक तरीके से चिपक जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम इसको इसमें इसका खाँचा मारते हैं। हमने इसका ये खांचा लगा लिया है, ठीक है। अब हम इसका टेपर काटेंगे। अब इसको हम जो है ना रेगमाल पे इस तरीके से घिस लेंगे, ठीक है। अब हम इस डार्ट को रंधे में तेल लगाने के बाद उसमें डालकर देखते हैं। ठीक है, तो हमारी अंदर की जो धार है ये खाली है और यहाँ पे हमारे ये फंस रहा है बाहर की सिरा, तो हम इसको टेपर थोड़ा लंबा करेंगे, ठीक है। पीछे की तरफ से मारेंगे, आगे हमारा ठीक है। अब लगभग ये बिल्कुल ठीक है, बहुत थोड़ा है बाकी, ये ऊपर के सिरे पे बस ये वाली साइड जो है वो थोड़ी सी है, उसको अभी हम ठीक कर देते हैं। इस पे इसके सिरे पे ये टेपर मार दिया है चौरसी से, अब ये डार्ट हमारी सही हो चुकी है। अब इसको हम लगाकर और फिर चलाकर देखते हैं रंधा, ठीक है। ये हमने पाइन की लकड़ी ली है और इस लकड़ी पे हम इस रंधे का पहला हिस्सा मार रहे हैं।
ये रंधा हमारा ठीक बन चुका है, इसमें बिल्कुल भी रंधा नहीं फंस रहा है, छीलन एक भी नहीं फंसी एक बार भी, सारे घिस्से एकदम साफ निकलते चले गए। इसके पीछे की साइड को दोनों तरफ से थोड़ा सा हमें स्लोप में करना है टेपर में, यानी लगभग 3 सूत हमें इधर से लेना है, 3 सूत इधर से लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ये काट देंगे और जितनी हमें लंबाई रखना होगी उतनी हम लंबाई ले लेंगे, बाकी यहाँ से हम इसको काट देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो काम अपने बाद में कर लूँगा, वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। अब ये रंधा हमारा बनकर तैयार है।